हाँ जी संगम संगम युग में व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी का स्थान का अर्थ क्या है? व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी जो स्टैम्प व्यभिचारी और भ्रष्टाचारी का जो स्टैम्प संगम संगम युग में क्या होता है? जिनका स्टैंप बनाते हैं वो विविचारी कर्म करके विविचारी दुनिया का रिजल्ट निकालते हैं या विविचारी दुनिया का रिजल्ट निकलता है? जो कर्म करते हैं उसका रिजल्ट निकलता है या नहीं निकलता है? हैं? हाँ, तो जो भी कर्म करेंगे उसका रिजल्ट तो जरूर आएगा। संगम युग में वो स्टैम्प कौन सा है? जो शेषाचारी दुनिया बनाता है, जिसकी पूजा होती है, जिसके शेषाचारी कर्म की भारत में मंदिर मंदिर में पूजा होती है, माथा टिकाते हैं, सर झुकाते हैं, वो तो शेषाचारी स्टैम्प हुआ। गुरु लोग कहते, अरे लोगों ने पहचाना नहीं ना, जब नहीं पहचानते हैं तो गालियां देते हैं और जब पहचानते हैं तो महिमा करते हैं। और बहन विष्णु को नाभि हाँ बहन क्या कौन बहन हुआ? ब्रह्मा निकला है उस समय किसको बहन बोला है बाबा? बहन बोला है क्या? वो बहन है ना? क्या बहन है? जो माता को बोला विष्णु को नाभि से जब ब्रह्मा निकला है तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। हाँ बहन की बात बोले। क्या बहन की बात बोले? ब्रह्मा निकला। हाँ बहन है जैन के मार्ग में तो बहन बोला ना। ब्रह्मा के रूप में बहन दिखाई है विष्णु की नाभि से जो ब्रह्मा निकला उसमें बहन क्या? विष्णु को जो वैष्णव के लिए बोला ना विष्णु के ज्ञान मार्ग में विष्णु वैष्णव के लिए बोला है ना वो बहन बोला। अभी जो ज्ञान में विष्णु कौन है वो भी मामी है तो वो तो चित्र ही नहीं दिखाते जिस विष्णु को दिखाते हैं। जो विष्णु दिखाते हैं वो पुरुष रूप में दिखाते हैं भक्ति मार्ग में या बहन के रूप में दिखाते हैं? पुरुष रूप है वो तो। विष्णु जो है चार भुजाओं वाला वो भुजाएं उनमें बहन का पार्ट बजाने वाली हो सकती है लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला पुरुष है या स्त्री रूप है प्रजापिता? वो प्रजापिता ब्रह्मा भुजाओं को चलाने वाला बनता है या भुजा बनता है? वो तो भुजाओं को चलाने वाला विष्णु है स्वयं। और हाँ अर्जुन सवाल में बोला है निराकार बाप साकार बाप के बगैर कोई परमा नहीं कर सकता है। हाँ जी पाठ नहीं बजा सकता है। तो बात यह है जो आप अभी से माता पिता ब्रह्मा थोड़ी देर के लिए जब को छोड़ कर चले गए थे उसके बाद दादा लेखराज राजेंद्री माता पिता नहीं बनना तक जो पीरियड है क्यों निराकार बाप ने माँ के साकार रूप में पाठ नहीं बजाया? तो बाप का पाठ तो साकार बाप होगा ना? है तो वो तो बच्चा होगा। कौन बच्चा होगा? मतलब जो निराकार बाप साकार बाप के रूप कौन सा साकार बाप के रूप? निराकार बाप साकार के बगैर पार्ट नहीं बजा सकते। माना जो ज्योति बिंदु बाप है
उसको साकार तन जरूर चाहिए, चाहे माँ के रूप में बजाए और चाहे बाप के रूप में बजाए या टीचर या सदगुरु के रूप में बजाए। माता के तन में भी बजाया, माताएं भी, माताओं का तन भी कोई पवित्र तन तो नहीं होता है। और हिंदू तो होते हैं, हिंदू सिंधु तैयार होते 4 महीना लग गया है, ऐसी तैयार होने के बाद उस कुंड में आत्मा प्रवेश करती है। जी, वही आत्मा प्रत्यक्ष होने में 6 महीना लग जाते हैं, 4 महीने भी लगते हैं, 5 महीने भी लगते हैं, कभी 6 महीने भी लग सकते हैं। देहात में हमको मिल गया, देहात में मिल गया जब 69 to 76 में हमको प्रत्यक्ष हुआ। हाँ जी, लेकिन इंदौर इंदौर जब तैयार होने के बाद है तब देहात में इसका क्या प्रूफ है माना साकार, साकार का 69 का पहले क्या कार्य हुआ जिसमें हमको सबूत होगा कि इसमें कुछ पाठ बजाने वाला है। पिंड का मतलब है निर्जीव, निर्जीव का मतलब है उसमें चैतन्यता नहीं थी, चैतन्यता नहीं थी का मतलब उसमें वो ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी। जब वो टाइम पूरा होता है तो हलन चलन शुरू हो जाती है, तो 76 से वो हलन चलन प्रत्यक्ष हो जाती है, ये प्रूफ है। यज्ञ में 76 से पहले हलन चलन नहीं थी और 76 के बाद हलन चलन हो गई। और महीना कमल बोलने के लिए, महीना कमल मुख कमल हस्त कमल बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? दैवी गुण धारण करना चाहिए। हाँ जी, आज भी बोला 69 से 76 तक हलन चलन नहीं था क्योंकि पूजा पिता के अंदर में तो मनन चल रहा था। हाँ, तो हलन चलन नहीं कहेंगे वो प्रत्यक्ष था, यज्ञ में प्रत्यक्ष था क्या? नहीं था। और आकारी से आकारी वाला फिर आकारी से आकारी फिर आकारी से निराकारी वाला बनेगा कि सारे विश्व में विश्व का पिता देखने में आना चाहिए। अभी अभी बोला तुम देवता भी बनते हो और विश्व के मालिक भी बनते हो, वो ब्राह्मण सिर्फ देवता तो बनेंगे नंबर वार भी, लेकिन विश्व के मालिक नहीं बनेंगे। तुम यथा राजा तथा प्रजा सब सब विश्व के मालिक होंगे। पढ़ाई शुरू हुआ। हाँ जी, तो 2008 तक चलेगा, 2008 के बाद पढ़ाई नहीं होगा। जब तक जीना है तब तक पीना है। लेकिन 7 साल का पढ़ाई इसी मौत के लिए है। 7 साल का जो पढ़ाई है वो 7 साल किसके कब शुरू होते हैं वो टाइम फिक्स है हर एक का? टाइम फिक्स नहीं है। ब्रह्मा का पढ़ाई कम्प्लीट हो जाएगा क्या? ब्रह्मा की पढ़ाई कंप्लीट होगी तो सबकी पढ़ाई नंबर वार कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। और उधर कोई माताएं भी बोल रही हो ना, ध्यान रखो जरा। गुरु लोग नीला कपड़ा नहीं पहनते हैं, जो भी है, लेकिन यहाँ भी काला कपड़ा पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं,
और पीले कपड़े पहनते हैं बस। कहते हैं ना लाल पीले क्यों हो रहे हो, यहाँ स्थूल कपड़े की बात नहीं है, स्वभाव संस्कार से कोई लाल लाल आंखें कर लेते हैं, पीली आंखें पड़ जाती हैं, अरे ये क्या होने जा रहा है। हाँ जी, और मीनाकारी स्टेज पे रहना चाहिए, इसे और कोई होगा जिसने दिखाया ना सभी आत्मा का परमधाम जा रहा है, संपर्क जैसे हुआ है उसको मीनाकारी स्टेज दिखाया। तो अभी नहीं दिखाई पड़ता है किसी को साकार और किसी को निराकार, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। जो संपन्न स्टेज वाले देवताएं होंगे, देवात्माएं बन चुके होंगे नंबरवार, उनको क्या दिखाई पड़ेगा, उनको साकार दिखाई पड़ेगा, और जो पुरुषार्थी होंगे उनको निराकार दिखाई पड़ेगा। और बाबा उन्होंने बोला है सब पुरुषानी दुर्जलम है, सब पुरुषानी दुर्जलम दुष्टा समझे हाँ। दीदी बोला है जब आत्मा मेल बनती है तब आत्मा का दुर्जलम दुष्टा चिंता संस्कार बनती है हाँ। और फिर ये भी बोला है आत्मा तभी मेल बनती है जब, अच्छा जब जब मेल बनती है तब दुर्योधन दुशासन बनती है, ये पक्का हो गया? नहीं नहीं, एक जो बात बोलो तो पक्की करके बोलो कि आत्मा जब मेल बनती है तो दुर्योधन दुशासन होती है, है? जब आत्मा मेल बनती है तब उसका दुर्योधन दुशासन का संस्कार बनती है, ऐसा कोई पक्का तो नहीं है? अगर ऐसा पक्का हो तो सतयुग त्रेता में भी मेल होते हैं, वहाँ दुर्योधन तो शासन होना चाहिए। वही तो पूछना चाहता हूँ मैं, जो सुना है वो गलत भी होता है, सुनाई बातें हो उसको छोड़ो नहीं, मुझे कैसे सही सुना है, इसलिए पूछ रहा है जो आत्मा जब मेल बनती है उसी टाइम उसका दुशासन स्वरूप संस्कार बनती है, ये कैसे हो सकता है? सब दुशासन ये सब सही है लेकिन आत्मा जब मेल बनती है तब उसको दुशासन दुशासन का संस्कार बन सकती है, ये रीति नहीं तो नहीं समझा, इसलिए पूछ रहा है। सतयुग त्रेता में जितने भी मेल होते हैं वो दुर्योधन दुशासन तो नहीं होते हैं, मेल तो होते हैं कि नहीं? हाँ, तो यहाँ की बात है द्वापर कलयुग की, द्वापर कलयुग में जो भी मनुष्य शरीर हैं मेल हैं वो दुर्योधन संस्कार वाले होते हैं, दुशासन संस्कार वाले होते हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, आक्रामक बन जाते हैं, क्योंकि पुरुषों से काम विकार कंट्रोल नहीं होता है, बाकी सतयुग त्रेता में तो ऐसा नहीं होता, वहां तो आत्म की स्थिति में रहते हैं, मेल होने पर भी उनको भान नहीं होता देह का। और जीवन मुक्ति बाबा किरकम वाला ही मिलेगा हम लोग को है, जीवन फिर रहते हो के जीवन जो मिलती है उसका शरीर छोड़ने पड़ेगा कि सारे ही अगर शरीर छोड़ देंगे तो फिर जीवन मुक्ति मिलेगी किसको? जीवन भी रहे और ज्ञान की और याद की पराकाष्ठा ऐसी हो कि हम दुख के वाइब्रेशन में दुखी ना हो और सुख के वाइब्रेशन में बहुत अति से ज्यादा दूसरों को
खुश होकर के न दिखाई पड़ने लगे, सदैव एक रसी स्थिति रहे। इसको गीता में भी बोला है, यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय, जिससे लोग उद्वेग को प्राप्त न हो, माना दुखी न हो जाएं, लोग जिससे दुखी न हो जाएं, और जो लोगों से दुखी न हो, कोई कैसा भी पार्ट बजाए, कोई कैसी भी बात बोले, लेकिन उसके ऊपर कोई असर न हो, तो उसको जीवन मुक्त कहेंगे या नहीं कहेंगे? है ऐसी स्थिति ज्ञान के पराकाष्ठा के आधार पर बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है। हाँ। मिस यूज करेंगे और सबको बुद्धू बनाए देंगे, लेकिन मिलेगा नाम तभी नहीं मिलेगा नाम। बाप बाप के पास चाबी रहती है, घुमाता रहता है। और बाद नहीं, पूर्णमासी जब तक रहती है तब तक चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या का पीरियड जब तक रहता है तब तक उसके अंदर ही सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण का मतलब तो बता दिया, कई बार लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण हुआ, लेकिन वास्तव में सूर्य के ऊपर ग्रहण कभी नहीं होता। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, एक तरफ सूर्य बीच में चंद्रमा, एक तरफ पृथ्वी, तो पृथ्वी वासियों को चंद्रमा बीच में आ जाने से सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता, तो लोग समझते हैं सूर्य को ग्रहण लग गया। सूर्य को ग्रहण लग गया या पृथ्वी वासी खुद चंद्रमा की परछाया में आ गए, खुद ही चंद्रमा की परछाया में आ गए, माने चंद्रमा जो खुद बुद्धू बन जाता है, अपन को गीता का भगवान समझ बैठता है, उसकी परछाया में मनुष्य आ जाते हैं। किसी के प्रभाव में आ जाना, कहते ना इसकी परछाया पड़ गई है तुम्हारे ऊपर, इसे कहते हैं बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, शनि की दशा, राहु की दशा। तो कोई भी देहधारी के प्रभाव में आ जाना अर्थात उसका परछाया पड़ गया, जो प्रभावित हो जाता है वो उसकी प्रजा बन जाता है। जो चंद्रमा के प्रभाव के नीचे आ गए वो चंद्रवंशी बन जाते हैं, बाकी सूर्य के ऊपर ग्रहण तो पड़ता ही नहीं, चंद्र ग्रहण तब कहा जाता है जब पूर्णमासी के दिन चंद्रमा संपूर्ण बनता है, उस समय से पहले माया सारे संसार पर, ब्राह्मणों के संसार पर अपना पसारा फैलाती है। एक तरफ चंद्रमा, बीच में पृथ्वी, एक तरफ चंद्रमा नहीं एक तरफ पृथ्वी, बीच में चंद्रमा और एक तरफ सूर्य, तब पड़ता है सूर्य ग्रहण।
और जब एक तरफ चंद्रमा होता है और बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी का परछाया चंद्रमा के ऊपर पड़ता है। क्या धरणी, धरणी माता कहो, प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, उसका परछाया पड़ता है किसके ऊपर? चंद्रमा के ऊपर। तो कहते चंद्र ग्रहण हो गया, वो तो बात सही है। चंद्रमा प्रभाव में आता है जगदम्बा के प्रभाव में, जैसे सन 47 से पहले आ गया था। तो खाना नहीं खाते तो जो बहुत सूर्य ग्रहण जब होगा तब तो खाना भी बहुत आदमी भक्ति मार्ग में सब मने ये कर देते हैं। चंद्र ग्रहण में खाते हैं क्या? दोनों में, दोनों में क्यों नहीं खाते? हजम नहीं होता है ना, क्यों? वो खाने की बात नहीं है। जब वो लास्ट पेपर होता है, फाइनल पेपर, तो उस फाइनल पेपर के समय जैसे फाइनल पेपर दुनिया में होता है तो खाना पीना सब भूल जाते हैं, ऐसे यहाँ भी जब फाइनल पेपर होगा तो जो भी पुरुषार्थी हैं वो खाना भी भूल जाएंगे। जो योग का भोजन है, जो याद का भोजन है, वो उनको भूलेगा। और हैं कैसे रामनवमी जो है वो राम का जन्म दिवस मनाया जाता है। राम बाप को कहा जाता है, वो बाप ज्ञान सूर्य है। रामनवमी रात दो रात को नहीं मनाई जाती, रात्रि के 12 बजे कृष्ण जयंती मनावेंगे, महाशिवरात्रि मनावेंगे, लेकिन रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती। इसका मतलब सूर्य जब पूरे चढ़ाव पर पहुंच जाता है दोपहर के 12 बजे, तब संसार में उसकी प्रत्यक्षता होती है। सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें धीमी होती हैं, लोगों को उतना पता नहीं चलता। कृष्ण के सामने जब भगवान का तीक्ष्ण रूप प्रत्यक्ष होता है अर्जुन के सामने, तब कहता है बस 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 करो, अब मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये ज्ञान की तीक्ष्णता जब अति की बढ़ जाएगी तो संसार में बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसलिए रामनवमी दोपहर के 12 बजे मनाई जाती है। और शरीर में आत्मा है या आत्मा में शरीर है? पक्का पक्का एकदम से निकलता है भाई। बताओ कौन जवाब देगा इस बात का? आत्मा में शरीर है या शरीर में आत्मा है? सुनना चाहते हैं तो है? सुनना चाहते हैं, कोई दूसरा जवाब दे दे तो नहीं मानेंगे है? कोई जवाब नहीं देगा? शरीर में आत्मा है और आत्मा में शरीर नहीं होता। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, उसका हम लोग शरीर कैसे रहेगा? नहीं होगा।
अच्छा द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक जब तक शिव बाबा नहीं आता है तब तक आत्माएं होती है या नहीं होती है सृष्टि रंगमंच पर? होती है, लेकिन उन आत्माओं में देह की याद होती है कि नहीं होती है? हैं? उनके अंदर देह की याद होती है, तो देह की याद होना माने आत्मा में देह है, देह भरी हुई है। उसको उठा के फेंक दे बाहर क्या? हाँ जी बोलिए, मैंने कथा करिए सतयुग के बारे में, कथा करिए वहाँ का पेड़ कैसा होगा, वहाँ का पेड़ कैसा होगा, अभी जैसे पेड़ है वही आम गंगा यमुना भी होगी, पेड़ पौधे भी होंगे, पशु पक्षी भी होंगे, लेकिन सब सतो प्रधान होंगे, तमो प्रधान कोई भी जीव जंतु नहीं होगा, कांटे वाला कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, सब सुखदाई होंगे, कोई भी चीज दुखदाई नहीं होगी। और रात्रि में पूर्णिमा रहेगी, रात्रि होता है? हाँ जी रात्रि होता है क्या? रात्रि सचिव में अंधेरा, जहाँ चंद्रमा का अलग अस्तित्व हो जाता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कौन रचयिता है और कौन रचना है? चंद्रमा रचना है और पृथ्वी रचयिता है, लेकिन पृथ्वी का भी रचयिता कौन है? सूर्य पृथ्वी का भी रचयिता है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काटता है और चंद्रमा और पृथ्वी दोनों मिलकर के सूर्य का चक्कर काटते हैं। जैसे बच्चा बाप का चक्कर काटता है, कोई भी उपग्रह अपने ग्रह का चक्कर काटता है, इससे साबित होता है कि चंद्रमा जो अभी अस्तित्व में अलग दिखाई पड़ता है वो सतयुग में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा। क्या होगा? दिन ही दिन रहेगा, रात्रि वहां होगी नहीं। चंद्रमा कहां जाएगा बाबा? हैं? जो प्रशांत महासागर है उसकी गहराई कोई ने आज तक नाप नहीं पाई, क्योंकि जब द्वापर युग में अर्धविनाश हुआ था तो अर्धविनाश में वो टुकड़ा
जो प्रशांत महासागर अभी कहा जाता है वो छिटक करके अलग हो गया। अपना अस्तित्व तो अलग बना बैठा, जैसे सन 47 में मुरली किसके तन के द्वारा चल पड़ी? ब्रह्मा के तन के द्वारा चल पड़ी। उससे पहले किसके तन द्वारा चलती थी? हैं? नहीं, माँ के द्वारा चलती थी, जगत माता के द्वारा। और लक्ष्मी जो पुष्पन प्रमोशन का पोजीशन में चंद्रमा आ जाएगा। हाँ जी, पृथ्वी का पद एक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, यज्ञ के आदि में पीयू की वाणी के रूप में थी। कौन से संत जब तक प्रजापिता ने शरीर छोड़ा उसके बाद माताओं की वाणी चली। हाँ जी, दिन का बार खाई के रात का बार छोड़ के, ये पापा है। अभी अभी गंवा रहे हैं। वहाँ कोई, वहाँ भी खाना पीना होता है, यहाँ भी खाना पीना होता है। ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात की बात है। यहाँ अज्ञान नींद में आत्माएं सो रही हैं, और जब ब्रह्मा आ जाता है तो भी सोते रहते हैं। और विनाश के समय बाबा तो अभी कह रहे जाकर के बाबा जमीन खरीद लो, रहना शुरू कर दो। जमीन खरीदने से क्या जाएगा? मकान नहीं बनाया जाता है वहाँ? है, अरे पैसा है तो मकान नहीं बना सकते? कौन सा है, मकान खरीदना है या मकान? जमीन पर मकान बनाया जाता है? एक कप चाय जानी थी। अभी अभी चले जाओ। आपकी इच्छा की बात, बाबा ने तो बोल दिया, कोई पहले से अपना धन सफल करेंगे, कोई बाद में जब ज्यादा वहाँ महंगाई हो जाएगी तब पहुँचेंगे। फायदा किसमें रहेगा? बाबा ले जाएंगे। बाबा क्या कंधे पे लिए फेरेंगे? बाबा तो अभी कहते हैं आ जाओ जहाँ बाबा है, रुके काहे के लिए? हम गे 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 दिनांक के समय आसमान की चंद्रमा प्रशांत सागर में आ जाएगी। क्यों नहीं आ जाएगा? अभी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी को कंट्रोल करता है या पृथ्वी चंद्रमा को कंट्रोल कर रही है? चंद्रमा पृथ्वी को कंट्रोल कर रही है। अभी जो रचना कृष्ण है, कृष्ण बच्चा है, वो माँ का कंट्रोलर है या माँ बच्चे को कंट्रोल करने वाली है? है? अभी माँ बच्चे को कंट्रोल कर रही है। अभी कृष्ण गीता का भगवान बना बैठा है, फिर बच्चा अपन को बच्चा समझेगा और माँ की गोद में समा जाएगा। और मतलब उगता है फिर अस्त होता है, तो जब सही में सूरज अस्त और उगता है, जब सूरज तो एक ही जगह रहता है, लेकिन हमारी मतलब अज्ञान के कारण हम सकते हैं कि अस्त हो रहा है, उग रहा है। अरे बुद्धि जो है
जो धरती के सितारे हैं, जो धरती रूपी माता है, जो ज्ञान चंद्रमा चैतन्य है, उनकी बुद्धि घूमती रहती है या सूरज की बुद्धि घूमती है? किसकी बुद्धि चक्कर काट रही है? ज्ञान सितारों की बुद्धि चक्कर काट रही है, चंद्रमा की बुद्धि चक्कर काट रही है, और पृथ्वी भी चक्कर काट रही है, बाकी सूर्य कोई के चक्कर नहीं काटता है। ओम का मतलब क्या है? ब्रह्मा ऊपर विष्णु मौन महेश श्री चंद्रमा और बिंदु दिखाया मतलब क्या है? चंद्रमा जो बिंदु दिखाया ऊपर में, उसका मतलब क्या है? फिर चंद्रमा, चंद्रमा दिखाया नहीं अधूरा, तो वही चंद्रमा है। हाँ है, मैंने तो आधार मूर्ति, मैं उनका जो मूर्ख है आधार मूर्ख कर, तो वो 4.5 लाख वो बीज नहीं है चंद्रमा जीवों का। भले आधार मूर्त है लेकिन चंद्रवंशियों का बीज है ना। कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं कि उनका बीज नहीं होता, उनकी जड़ को उखाड़ के दूसरी जगह लगा दो तो वही वृक्ष बन जाता है, वही बीज है। एक भाई पूछे हमको, एक बाबा मक्का मदीना में काम करने गया, उसको बांध के रखा है। मक्का मदीना में काम करने गया, उसको बांध के रखा। शिव बाबा गया मक्का मदीना में है? शिव बाबा मक्का मदीना में गया है? यात्रा क्यों है मक्का मदीना में? बाबा को नसीब बाबा को बांध के रखा तुमने, और तुमने मंदिरों में बांध के रखा, सो तुमने मंदिरों में बांध के नहीं रखा क्या? अमरनाथ में बांध के नहीं रखा क्या? ये तो अपने मन की मौज है, है भावना है। साढ़े 4 लाख में ऐसे है कि वो भी एक प्रकार का बीज बन जाता है, हैं? बाद में बीज नहीं बनेगा, वो सूर्यवंशी नहीं बनेगा। बीज को सूर्यवंशी कहा जाता है, बाप कहा जाता है। हाँ जी, जब एडवांस में आ जाए तो वो आत्मा भी बीज बन जाएगी, लेकिन चंद्रवंशियों का बीज है। ब्रह्मा की सुन, नास्तिक ऐसे तो नास्तिक को दो धर्मों से बोला जाता, लेकिन नास्तिक को नहीं जुड़ते, तो नास्तिक का कोई लीडर होगा ना? हाँ जी, लेनिन स्टालिन नास्तिकों का बीज मुखिया बताया ना, उनका भी जो बाप है। अच्छा, वो तो जो 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 जो, जो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है वो तो सबका बाप है, इसलिए बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है? हाँ जी, सुप्रीम सोल तो राम वाले आत्मा में प्रवेश करता है। हाँ हाँ, तो वो सूर्यवंशी भी है, वो चंद्रवंशी भी है, वो इस्लामवंशी भी है, बौद्धिवंशी भी है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। नास्तिक भी है, राक्षस भी है, रावण भी है। बापों का बाप है। बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है।
तरीके से लोग इसीलिए मतलब नौ धर्म कहा जाता है, नौ बारह में 108 10 को नहीं पकड़ते। हाँ जी, और कोई माता बोल रही थी इधर। हाँ जी, किसी का जीवन में अंधेरा नहीं आएगा तो सपना भी नहीं होगा। और एक दूसरे यहाँ में आए हैं। अरे पहले एक बात पूरी कर लो फिर दूसरी बात। हाँ, यहाँ में जीवन में अंधेरा किसको आए? किसी का जीवन में अंधेरा नहीं आएगा तो सपना भी नहीं। ठीक है, किसका भी ये लागू है। और राम बाप के जीवन में अंधेरा आता है कि नहीं है? राम बाप के जीवन में अंधेरा आता, जो सूर्यवंशियों का बीज है उसके जीवन में अंधेरा आता है या नहीं है? माया किसी को छोड़ती नहीं है, तो आखिरी जन्म में चाहे सूर्यवंशियों का बीज हो, चाहे चंद्रवंशियों का बीज हो, और चाहे कोई भी वंशी हो, उन्हें सबके जो पूर्वज हैं वो सब अंधेरे में आ जाते हैं अंतिम जन्म में। माया सब को पकड़ लेती है। अगर माया न पकड़े आखिरी में तेजी से तो माला के नंबर नहीं बनेंगे। हैं? नहीं बनेंगे तो फिर वो आखिरी जन्म में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं? दूसरे धर्म से प्रभावित कैसे हो जाते हैं? दूसरे देश में दूसरे धर्म में कैसे चले जाते हैं? और एक बात आई है, बेटी का जो है उसका नाम क्या है? सरला है? सरला बेटी का है? उसका की साथी बनाया सरोला ने गुजरात को साथी बनाया। अब में जो नाम है सरोला उसको साथ हमारा गुजरात है क्या? राजस्थान के नजदीक गुजरात है जिसको ज्यादा पुण्य का खर्चा जमा हो गया है, जिसका ज्यादा पुण्य जमा हो गया है। अभी दूसरी सीजन थोड़ी शुरू हो रही है, यह में दूसरी सीजन के क्या हुआ? सरोला कौन है? सरला तो गुजरात की बेसिक नॉलेज वालों की, गुजरात की सेंटरों की इंचार्ज है। हाँ हाँ, तो बेहद में गुजरात भी होगा? बेहद में गुजरात नहीं है, जिसके अज्ञान की रात गुजर गई, जिनके अज्ञान की रात गुजर गई उनमें गुजरात वंशियों में जिनके अज्ञान की रात गुजर चुकी है, माना सूर्य जिनके लिए पूरा प्रत्यक्ष हो चुका है, अज्ञान की रात गुजर चुकी है, तो सरल चित्त वाले होंगे, बोले वाले होंगे या चक्कर वाली बुद्धि के होंगे? बोले वाले होंगे। वो तो नाम है सरला, और ये काम के सरला है। काम की सरला माना सरल चित्त। नंबर वन कौन है? नंबर वन सरल चित्त वो ही होगा जो गुजरात का इंचार्ज होगा। अरे बेहद में गुजरात कौन है? जिनके अज्ञान की रात गुजर चुकी वो कौन है? प्रजापिता और उसके फॉलोअर्स, तो उनकी इंचार्ज कौन है? सरल चित्त वाली सरला है। उसी के लिए अव्यक्तवाणी में बोला है, बाप दादा दो तीन साल से बात ही किससे कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। वो अष्टदेव जितना सरला को
महत्व देते होंगे, उतना और कोई आत्मा को महत्व नहीं देंगे सिवाय बाप के। मनुष्य जब बीमार पड़ता है उस टाइम की आत्मा के ऊपर में कोई प्रभाव पड़ता है? हैं? अरे आत्मा दुखी होती है या नहीं? दुखी होती है, प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होती है आत्मा, तो साबित हो जाता है कि हाँ प्रभाव पड़ता भी है। अगर आत्मा संपन्न स्टेज में है तो प्रभाव नहीं भी पड़ता है। हमारे पास आएगा तो बात सही है। जब हम लोग माउंट आबू जाएंगे तो उनका बात पक्का हो जाएगा। लेकिन अव्यक्त वाणी में तो बोला हुआ है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, तो वो तो छोड़ के पहले ही भाग जाएंगे। इतना आत्मा है जो जिस धर्म का होगा वहाँ चला जाएगा। कोई भेड़ बकरियों के कुल के होंगे तो कहाँ जाएंगे? भेड़ बकरियों के कुल में चले जाएंगे। हाँ अशोक का लाड कैंप पेपर में देखा गया है तो वहाँ पर तीन से देखा गया है। हाँ जी, तो लेकिन जो अशोक स्तंभ कहा गया है पंजाब में अशोक स्तंभ है वो एक ही चीज है। अशोक लाड जिसे कहा गया है अशोक स्तंभ भी एक ही चीज है। हाँ जी, तो अशोक स्तंभ में देखा गया है चार तीन है तीन दिखा गया है तीन जो अशोक का लाड है तीन ब्रह्मा का अरे ये चार से उसका अलग बारह किया तो दिखाई नहीं पड़ता है। ब्रह्मा के चार मुख हैं या तीन मुख हैं? चार मुख हैं, एक अपने को गुप्त कर देता है। जो हम लोग जो खेत खेत जो है खेत तो बोलने जो हुआ था अभी खेत अभी चलेगा ना जो खेत का खेत का जो खेत खेत चलता है और फसल बंद रहेगा ना चलेगा खेत अभी तो बंद है ना ये लोग सुना कि खेत में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन इनको खेत बहुत पसंद हो गया। अच्छा, आत्मा अटकी हुई है ये खेत चला जाएगा ना रहेगा उसके बारे में कुछ बताइए। खेत चला जाएगा या रह जाएगा लेकिन विश्व की वास्तविकता मिलनी है कि नहीं मिलनी है तो खेत एक टुकड़ा क्या चीज है। शांत हो जाइए। हाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी हाँ ब्रह्मपुत्र से बह रहा है। हाँ जी, हाँ जी, गंगा नदी ऊपर से आके नीचे उतर गया गंदगी फूट गया उसको और संके रंग से जो चल रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो गंगा का पाठ बजाने वाली है वो बेसिक नॉलेज के आदि में भी ऊंची स्टेज में मध्य में नीची स्टेज में आ जाती और अंत में फिर ज्ञान गंगाएं प्रत्यक्ष होती है तो ऊंची स्टेज में आ जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र है जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मपुत्री, भक्ति मार्ग में नाम अलग हो जाते हैं ना, भक्ति मार्ग में जो नाम है संपन्नता की स्टेज के हैं या अधूरी स्टेज के हैं? संपन्न स्टेज के नाम है भक्ति मार्ग में, जैसे प्रजापति सारी प्रजा का पति तो यह संपन्न स्टेज का नाम है या अधूरी स्टेज का नाम है? संपन्न स्टेज का नाम है। सारी प्रजा में पत्नियां भी हैं
बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं, लेकिन सबका क्या है? सबका पति। तो वो भगवान की उपाधि हो गई। ये उपाधि जो है संपन्न स्टेज की उपाधि है। जब संपन्न स्टेज प्राप्त करेगा तो सबको मानना पड़ेगा। अभी बाप बच्चों के लिए रुका हुआ है, गुप्त पार्ट बजाय रहा है, इसलिए सबको पता नहीं चलता। ऐसे ही ब्रह्मपुत्री जो नाम है वो भक्ति मार्ग का नाम है। बाबा क्या नाम देते हैं? ब्रह्मपुत्रा, माने वर्तमान स्टेज में जो भी पार्ट बजाने वाला मणका है वो आत्मिक स्टेज वाला मणका है। आत्मा पुरुष कहेंगे या स्त्री? पुरुष कहेंगे, इसलिए ब्रह्मपुत्र है और ऊंची ऊंची स्टेज में बहता है। आत्मा तो स्त्री बोलते हैं? आत्मा स्त्री बोलते हैं। मुझे एक परम पुरुष परमात्मा है और सब आत्मा कहती है। जो आत्मिक स्थिति पूरी नहीं धारण करती है, अनिश्चय निश्चय की स्टेज में आती है, तो वो आत्मा रूपी सीताएं हैं या राम है? सब सीताएं हैं, बाकी सब क्या? बाकी एक क्या हो गया? एक बाप हो गया राम, माने एक है पुरुष और बाकी सब हैं सीता। ए क्या? हाँ अभी फिलहाल आपने कह रहे हैं, फिलहाल आप कह रहे हैं कि बच्चे लोग जाके माउंट आबू में जमीन खरीद, ये कहेगा है? ये कहाँ जा रहा है? हाँ लेकिन मैं पुराने पुराने जो भी हमारे अध्यक्ष मानिया है उनके उससे ये बात भी आती है क्या कि यूपी को धर्म युद्धों का खेल दिखाना है? ठीक है। और जितने भी राम सिंह और कृष्ण की यादगार जो है वो कंपिल नगरी और कायमगंज के आस पास ही फैला हुआ। क्यों? सारे भारतवर्ष में नहीं फैले? वो तो है ही, वो उतना उसका नहीं है संख्या में, उस क्षेत्र में जितना है नहीं। ऐसे 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 शहर हैं जो मंदिरों के ही शहर कहे जाते हैं। काशी कितना दूर है? आप टेम्पल सुन का नाम रख दिए। तो काशी कितना दूर है? काशी वहाँ से कितना दूर? काशी में तो सिर्फ एक ही टेम्पल सबसे बड़ा माना जाता है। काशी में पूरा मंदिर ही मंदिर है। हाँ है मंदिर है। पूछना था, और पुराना बूढ़ी में भी आपने कहा कि आगे चल के इतना भीड़ वहाँ इकट्ठे होंगे कि कायमगंज से लेकर कंपनी तक लंबा लाइन पड़ेगा। नहीं, ये कहा आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लग जाएगी। वो हद का भी है आबू रोड और माउंट आबू, बेहद का भी बनेगा। जब बेहद वाले बीज रूप मण के वहां पहुंचेंगे तो बेहद का हो जाएगा। जब तक नहीं पहुंचते तब तक लाइन लगने वाली नहीं है। बाप के साथ पहुंचेंगे ना? है बाप के साथ पहुंचेंगे ना? आबू अब्बा के घर में पहले अब्बा पहुंचेगा कि बच्चे पहुंचेंगे? धीरे से बोलता है, उसकी भी बात सुन लो। राम की आत्माएं ऊपर चढ़ रही है, तो ऊपर जब चढ़ेंगी तो सतु प्रधान अवस्था में जाएंगे। हाँ जी। तो बाबा मुझे रहा है कि अंत में जाके वो तमो प्रधान बनती है। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाएगा। तो जो एक सेकंड गिनी हुई है चढ़ती कला की, वो उतरती कला के बाद होगी या पहले होगी? लेकिन बाबा उतरती कला कैसे होगी? शूटिंग होती है उतरती कला और चढ़ती कला की, शूटिंग होती है या नहीं? लेकिन चढ़ तो नहीं
चढ़ तो रही है लेकिन बच्चों को साथ लेके चढ़ रही है या अकेले दुकेले चढ़ रही है? तो बच्चों का साथ लेंगी तो बच्चे तो महापापी की स्टेज वाले भी है, उनका संग का रंग रामकृष्ण की आत्मा को नहीं लगता है, तो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा नहीं? फॉर द टाइम बीइंग गंगा, अगर गंगा का साकार रूप नहीं बनता है तो महादेव के मस्तक में जो अष्टदेव मणके दिखाए जाते हैं उस जटाजूट के बीच में कन्या क्यों दिखाई जाती है? चित्र चरित्र की यादगार है ना, तो जैसे अष्टदेवों को सर के ऊपर बिठाया हुआ है ऐसे कोई गंगा भी है, कोई कन्या है जो बहुत सेवा करती है, इतनी सेवा रुद्रमाला के मणकों में औरों ने नहीं कर पाई, सेवा का प्रभाव इतना औरों ने नहीं दिखाया जितना गंगा ने दिखाया, इसलिए चैतन्य ही होगी या पानी की गंगा समझ ली है? नाम करना चाहते हैं गंगा का नाम बेसिक में गंगे दादी और एडवांस में गंगा, हाँ जी है? दो हजार आठों के बाद राधा कृष्ण का जन्म होगा, जो अष्टदेव होगा वो तो उसी तो विधान के पहले कंचन का बन जाएगा, तो भी जन्म राधा कृष्ण जैसी बच्ची को जन्म देना शुरू कर देगा क्या? अष्टदेवों के लिए विनाश होता है क्या? नहीं बोला कि मैंने विधान से पहले ही अष्टदेव का कंचन का बन जाएगा, तो राधा कृष्ण जैसी बच्ची को जन्म देना शुरू कर देगा विधान से पहले, वो फर्स्ट होगा माने विकारी परिवार के बीच में जन्म होगा क्या? राधा कृष्ण का जन्म विकारी परिवार के बीच में होगा या निर्विकारी परिवार के बीच में होगा? ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा बन जावेगा पांडवों का किला जो एक भी विकारी उसमें प्रवेश कर नहीं सकेगा। बोले आज विदेव जी तो अष्टदेव जो है वो वैकुंठ में ही जन्म लेगा राधा कृष्ण जैसे बच्चों को बिना से पहले, बिना से पहले तो कंचन का बन जाते हैं। नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, नरक की दुनिया का नजारा भी होगा चारों ओर, और सैंपल दिखा दिया जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में खून की नदियां बही थी, रौरव नरक का नजारा देखने में आ रहा था, खून की नदियां, उसी बीच एक ऐसी भी जगह थी जहां 300-400 प्राणी बड़े आराम से रहे पड़े थे, उन्हें हवा भी नहीं लगी। उन्होंने पूछ रहे हैं, तो पूछ रहे हैं जिसका सत्यनारायण लक्ष्मी मिलकर कांचन का यदि होंगे राधा कृष्ण को तो जन्म देगा, हाँ जी, तो वैसा माफी अष्टदेव जो होगा हाँ वो भी तो कांचन का हो जाएगा, बिल्कुल जैसे कांचन का होने का दो कंचन काया बनते जावेंगे, वो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त भी बनते जाएंगे। हाँ तो वो बोलता है जी विनाश के पहले जो अष्टदेव जो कंचन का बनेंगे तो वो भी राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म देते रहेंगे, विनाश के पहले जन्म देंगे। जो नंबर वार है तो नंबर वार राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म नहीं देंगे, देंगे अगर प्रत्यक्ष नहीं होंगे तो वो संगमयुगी डायनेस्टी के कैसे कहे जाएंगे?
2018 तो अभी तो सिर्फ 10 साल बाकी है, 11 साल में तो शुरू हो जाएगा कंचनपान मतलब। हाँ अभी तो 10 साल पड़ी बाकी। हाँ हाँ 10 साल पड़े हैं बाकी, आराम से सो ले। हमारे लिए 10 साल का जो बेनी, अभी 10 साल का जो दुनिया में हम लोग पैसा जमा कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है, 20 साल का कर रहा है, तो गलत बात है। वो तो गीता में बताया हुआ है, जिस रात्रि में दुनिया जागती है, जिस अज्ञान रात्रि में दुनिया जागरण कर रही है, मेहलवानियां बनाओ, बैंक बैलेंस इकट्ठा करो, ये उनकी अज्ञान रात्रि है ना। योगी लोग उसमें जागरण करते हैं या सोते हैं? नहीं, उस अज्ञान रात्रि में जो योगी लोग सोते हैं, उस दुनिया का उनको नॉलेज ही नहीं रहता, जैसे कोई प्रयास ही नहीं करते बैंक बैलेंस बढ़ाने का या मेहलमानियां अटारियां बनाने का। हमको कोई भाई बोल रहा है बनियान बनाओ 15 साल के लिए, तो हम उसको बोला 15 साल टिकने वाला नहीं है, तब बोला तो बोलता तुम पागल है। तो तुम्हारे ऊपर असर पड़ गया तब तो भरी सभा में बोल रहे हो, फालतू बात उसने बोली होती तो तुम यहाँ भरी सभा में बोलते ही नहीं, पड़ गया ना फिर कौन सी प्रजा बन गई। लेकिन बाबा बाबा भी कहते हैं कि बच्चों पास में थोड़ा रखना है, हैं? बाबा भी कहते हैं बच्चों को कि पास में थोड़ा रखना है। वो नशे को देख करके ही बताएंगे ना, जिसको जैसा नशा चढ़ा हुआ है, जिस नशे से बात कर रहा है बाबा, उसी नशे से आगे बढ़ाएंगे या सबको एक ही तरह से आगे बढ़ा देंगे? और तुम बच्चे परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। तो ये तुम बच्चे किससे कहा और कितनों से कहा है? 4.5 लाख वो तो साकार शरीर से हैं, लेकिन उनमें जो प्रवेश है वो बाप के बच्चे नहीं है क्या? वो भी बच्चे हैं। तो 9 लाख सितारे हैं, है? जब परम धाम में उतरेंगे माने आत्म की स्टेज में, वहाँ बैठ करके तपस्या करेंगे। नहीं कब से होगा वो? लास्ट समय 2036 होगा, तो 9 लाख सितारे वहाँ मौजूद होने चाहिए। तो क्या हुआ, जो जन्म लेने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा, जो जन्म देने वाले हैं उनका स्थान अलग होगा। वो तो वाइब्रेशन की औलाद होगी। कौन सी? राधा कृष्ण जैसे बच्चों की।